पुनः उत्थान अब होगा। जगत में शांति का हर कंठ से जयगान अब होगा। जगत में शांति का हर कंठ से जयगान अब होगा। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। नमस्कार, सुप्रभातम। आजनो पवित्र दिवस आप सौना माटे सुख शांतिदायी, आनंददायी, स्वास्थ्यदायी, विकासदायी बन्यो रहे तेवी मां जगदम्बा पासे प्रार्थना। आओ दिवसने मंगलमय तेमज भविष्यने उज्ज्वल बनावा माटे ऋषि संदेशने हृदयंगम करिए। पण ते पहेला सौने सद्बुद्धि मळे, सौनु कल्याण थाय, सौ उज्ज्वल भविष्यना मार्गे आगळ वधे तेवी दिव्य भावनाथी एक गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजनो ऋषि संदेश छे, वृद्धों ने मारी सलाह, अद्भुत ऋषि संदेश छे। जो वेड़ासर चेती जवानी नीति अपनावीए तो वृद्धावस्था होवानी गति ने धीमी करवाना उपाय करी शकाय। आखो दिवस भले काम करिए पण तेने हळवू बनावी शकाय। वच्चे वच्चे थोड़ो आराम करीने काम करवू जोईए। आळसू बनीने पड़ी रहेवानी जरूर नथी। काम ने मनोरंजन बनावी शकाय अने एक रमतनी जेम ते करता करता पोताना स्वास्थ्यनुं रक्षण, उत्पादन, लोकहित, आत्मसंतोषनो लाभ पण लई शकाय। जो भूख ओछी थई जाए तो भोजननुं प्रमाण तरत घटाड़ी देवुं जोईए। पेटनी थैली तो युवावस्था जेवड़ी ज होय छे, परंतु जो एने ठासी ठासी ने भरवानी जूनी टेव चालू राखीए तो पाचन शक्ति घटी जवाना कारणे ते भोजन पची शकतुं नथी अने अपचाथी विष पैदा थाय छे अने एना कारणे रोगना भोग बनवुं पड़े छे। ओछुं खावाथी ओछी शक्ति आवशे, आवुं विचारवुं खोटुं छे। भोजन पचे तो ज लाभ थाय छे। गड़पणमां पण भोजन थोड़ू ज पचे छे, तेथी पाचन शक्ति घटता तेनुं प्रमाण घटावी देवुं जोईए। युवानीनी तुलनामां अर्धुं ज भोजन करवुं जोईए। जरूर पड़े तो तेने तेना करता पण घटाड़ी देवुं जोईए। एक समय भोजन करीने बीजा एक टंके दूध, फड़फड़ादी वगैरह लईने पण काम चलावी शकाय। भारे भोजन न करवुं जोईए। बाळको तथा वृद्धो माटे सादुं, सुपाच्य अने सात्विक भोजन खूब फायदाकारक छे। आम तो इंद्रिय निग्रह बधा माटे उत्तम छे, परंतु वृद्धावस्थामां तो तेना पर वधारेमां वधारे अंकुश राखवो जोईए। 2-5 माइल नियमित चालवा जवुं जोईए तथा ऊंडा श्वास लेवानी टेव आपणा गड़पणने काबूमां राखवानो सारामां सारो उपाय छे। भोजन कर्या पछी 1-2 कलाक पछी भरपूर पाणी पीवું જોઈએ। કામમાં વ્યસ્ત લોકો પાણી પીવાની ઉપેક્ષા કરે છે, એના પરિણામે શરીરમાં જળનો અંશ ઘટી જાય છે। એના લીધે નસનાળીઓ તથા માંસપેશીઓ કડક થઈ જાય છે અને શરીરમાંથી ગંદકી બહાર નીકળવામાં અવરોધ ઊભો થાય છે। પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, અખંડ જ્યોતિ, ફેબ્રુઆરી 1979, પૃષ્ઠ 46-47। મિત્રો, પ્રખર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની યુગ ઋષિનો આ દિવ્ય સંદેશ ઓડિયો
माँ गायत्री तेमज परम कृपाळु परमात्मानी असीम अनुकंपाथी आप सौनी पासे पहोंचाड़वामां आव्यो छे। आमां आपणा उज्ज्वल भविष्यनी तमाम संभावनाओ रहेली छे। तो आ संदेशने आप अणसांभळ्यो वणसांभळ्यो नहीं करता, पोताना स्नेही स्वजन ग्रुप सर्कलमां फॉरवर्ड करी दैवी संस्कृति ऋषि संस्कृति सतयुगी संस्कृति लावामां सहभागी बनशो। एज अपेक्षा सह आप सौनो दिवस मंगलमय बनी रहे तेवी अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार ऋषि चिंतन चैनल जतपुर तेमज गायत्री परिवार शाखा सरगासणनी हार्दिक शुभकामना।